एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो यहां दिया है फाइंड द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 203, 032 and 001। ये तो करा दिया इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन तो हमने किया भी था, सेम पैटर्न था। लेट ओ एक्स वाई जेड बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, इसको लिखा ए बी सी, सच दैट OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, यही होगा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। OA इक्वल टू बनेगा x माइनस टू का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z माइनस थ्री का स्क्वायर। OB इक्वल टू बनेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री का स्क्वायर जेड माइनस टू का स्क्वायर। ओसी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए इक्वल टू ओ बी, इसके हिसाब से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स जेड, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायरिंग करके मैंने रूट हटा दिया, माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस सिक्स वाई माइनस फोर जेड और प्लस नाइन प्लस फोर, इसमें भी होगा प्लस फोर प्लस नाइन, तो नाइन प्लस फोर भी कट गया। हाँ तो क्या बना, उस साइड लेके जाते हैं तो फोर एक्स माइनस सिक्स वाई और प्लस टू जेड इक्वल टू जीरो, मतलब बन जाएगा हमारे पास टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट है ओ बी इक्वल टू ओ सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सिक्स वाई माइनस फोर जेड प्लस थर्टीन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस वन। तो सबको एक साइड लेकर के जाएंगे, 6y plus 4z minus 12 equal to 0, 3y plus 2z equal to, ठीक है, 3y plus 2z equal to 6,
ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू, 3y + 2z = 6। ठीक है, नेक्स्ट है क्या करेंगे हम, इक्वेशन 3 माइनस OA OB लिया, OB OC लिया, नेक्स्ट क्या होगा, OA = OC। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि 3 वेरिएबल है, इसलिए हमको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। तो OA = OC बन जाएगा x² + y² + z² - 4x - 6z - 6z + 13 = OC, x² + y² + z² - 2z + 1 कैंसल हो गया, तो बन जाएगा 4x + 4z = 12। ठीक है, 4x + 4z = 12, मतलब x + z = 3। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो एक काम करते हैं, 1 + 2 हम करेंगे तो y वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर मैंने इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 किया, -3y + 3y कट जाएगा, तो क्या बनेगा, 2x + 3z। ठीक है, तो इक्वेशन 1 + इक्वेशन 3, वन प्लस टू इंप्लाइज तो बनेगा 2x + 3z = 6। तो मतलब ये x और z के बीच में हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो बन जाएगा 2x + 2z = 6। तो इसके हिसाब से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं माइनस कर रहा हूं, माइनस माइनस माइनस, 2x कट गया, z = 0। ठीक है, अब z = 0, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या बनेगा, 3y = 6, y = 2, एंड 3 इंप्लाइज x = 3। तो पॉइंट हो गया, x हो गया 3, y हो गया 2, z हो गया 0। ठीक है, x 3 y 2 z 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम ही है, फाइंड द coordinates of a point which is equidistant from the points A 0 0 0 B 0 0 0 C and 0 0 0। ठीक है, तो यहां तक तो सेम ही है, यहां पे क्या होगा, A B C D, और कंडीशंस इसको इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो ये हो गया A B C, और इसको ले लो O,
गिवन पॉइंट जो रिक्वायर्ड पॉइंट है इसको मैं ले रहा हूं, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या हो गए? कंडीशंस हो गया पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी इक्वल टू पी डी या पीओ। तो उसी के अकॉर्डिंग अब यहां पे इसको मैं देख रहा हूं, वैसे ही करना है पी ए इक्वल टू पी बी पी सी इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। यहां पे भी वैसे ही दो तीन कंडीशंस यूज करनी होंगी। तो सबसे पहले करेंगे पी ए इक्वल टू पी ए, पी ए इक्वल टू पी ओ मतलब एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू पीओ। पीओ का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तो सीधा सीधा कट जाएगा और एक इसमें से कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स इक्वल टू बनेगा ए बाय टू, ठीक है। एक्स इक्वल टू बन जाएगा ए बाय टू। अब सभी को ओ के साथ कंपेयर करने में हमको इजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा पी बी इक्वल टू पी ओ, तो बनेगा एक्स स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू बी वाई प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई इक्वल टू बी बाय टू, एक्स इक्वल टू ए बाय टू। Similarly, z equal to c by 2, यही हो जाएगा। तो therefore इसमें कैलकुलेशन हमारा कम हो गया। रिक्वायर्ड पॉइंट इज ए बाय टू बी बाय टू सी बाय, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। सेम पैटर्न है बिल्कुल, ज्यादा इसमें कुछ टेंशन वाला चीज है ही नहीं। अब आते हैं हम नेक्स्ट इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 वो भी ऐसा ही है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ वे सच दैट द सम ऑफ its distance, sum of its distances from points A 0, 0, minus alpha, नेक्स्ट है एंड बी 0, 0, अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट इक्वल टू
2a इक्वल टू 2, ठीक है। तो मतलब PA प्लस PB ये दिया ना, PA प्लस PB इक्वल टू 2, ये हमारा दिया। तो PA प्लस PB इक्वल टू 2A, तो यहां पे बन जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। तो पहले तो एक काम ये कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, ठीक है। तो एक मिनट, वैसे भी दो बार तो स्क्वायरिंग करना होगा, इसको उधर ले जाके स्क्वायर कर लो, कैलकुलेशन फिर भी होना, ठीक है। तो बन जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस अल्फा का स्क्वायर, दूसरे में ये जेड माइनस अल्फा हो जाएगा, टू ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस अल्फा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू जेड अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, नेक्स्ट बना फोर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू जेड अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। माइनस फोर ए रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस अल्फा, अब जितने टर्म्स कट जाते हैं उनको हम कैंसिल करेंगे, अल्फा स्क्वायर जो बच गया उसको एक बार लिख लेते हैं। तो ये बना देखो फोर जेड अल्फा और टू जेड अल्फा, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो बन जाएगा हमारे पास फोर जेड अल्फा माइनस फोर ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। तो फोर फोर तो सभी जगह से कट गया, बन गया जेड अल्फा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस अल्फा का स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग इसका स्क्वायरिंग, तो बन गया जेड स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ए की पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर जेड अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू जेड अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। वो अपने को लाना क्या है, लाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ठीक है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साइड रखने दो, बाकी सबको दूसरे साइड ले जाओ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। जेड स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ए की पावर फोर टू ए स्क्वायर जेड अल्फा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस,
अच्छा यहाँ पे तो ए है, उधर अल्फा है ना, प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर टू ए स्क्वायर जेड अल्फा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये वाला टर्म तो कट गया। अब जो बच गया है उसको एक साइड में रखेंगे, तो हमारे पास है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया इधर। तो बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए ये सब, है ना। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इन सबको दूसरे साइड लेके जा रहे हैं, तो बना जेड स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ए की पावर फोर माइनस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इसको एक साथ रखेंगे और इसको भी एक साथ रखेंगे, तो बन जाएगा इधर का। मैं इसे क्वेश्चन क्वेश्चन मिटा रहा हूं, बस हमारा आंसर आ गया। तो बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इन दोनों में माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक मिनट, कॉमन लेना है अपने को ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कैसे ले सकते हैं, चलो जैसा अपने को आंसर लाना है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। आंसर लाना है इन दोनों के हिसाब से, तो इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन तो आ नहीं रहा, ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर लाना है कॉमन, तो इसमें इसको इसको एक साथ रखेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इन दोनों में जेड स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो इसको ऐसा लिखते हैं जेड स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए की पावर फोर माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो जेड स्क्वायर कॉमन लिया, अपने को चाहिए ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो माइनस जेड स्क्वायर कॉमन लिया ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, जो आंसर लाना है मैं आंसर के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, फिर प्लस करके ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर हो गया ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हम जरा इसके हिसाब से आंसर को लिख रहे हैं, तो बन जाएगा, ठीक है, बस हो गया ऑलमोस्ट हमारा आंसर, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये। हाँ तो ये बन जाएगा हमारा, अब देखो क्या क्या चाहिए अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है हमारे पास, डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक काम करते हैं, और ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है, तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा वो हम देख रहे हैं, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, थोड़ा ध्यान देना यहां पे है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वाले टर्म को इधर लेके जा रहा हूं डिनोमिनेटर में, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, जो तुम्हारा आंसर है उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको डिवाइड करोगे ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये लेंदी क्वेश्चन था इसलिए अपने को थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्या बन गया वन,
ये हो गया वन और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अभी आते हैं हम एक्सरसाइज 12.3, फॉर्मूले में ऑलरेडी बताया हुआ हूँ, ठीक है। सर कल स्टार्ट करने से टाइम हो गया, अभी है 4 मिनट है। चल पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले में दो क्वेश्चन है बस, सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट नंबर, फाइंड द, बेस्ट सर फिर बीच में रुक जाएगा, कोई बात नहीं हो जाएगा, बस सेक्शन फॉर्मूला है, आलस मत कर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट्स फाइव फोर टू एंड -1, -2, -4 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। मतलब पैटर्न क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट है जो कि इसको 2/3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 5, 4, 2, -1, -2, 4 और ये हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू 2 × -1 + 3 × 5/5, 15 - 2 हो गया 13/5। वाई बन जाएगा हमारा 2 × -2, ठीक है, +3 × 4/5, तो 12 - 4 हो गया 8/5। जेड हो गया हमारा 2 × 4 + 3 × 2/5, मतलब 8 + 6 हो गया 14/5, ठीक है। तो मतलब पॉइंट इज बन गया 13/5, 8/5 and 14/5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो बस इसको नोट कर लो, फिर हम क्लास को अपना ओवर कर, ठीक है। आराम से नोट करते जाओ, कोई टेंशन नहीं। रुको सर एक मिनट।